गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसका नेम है द लिविंग वर्ल्ड। पिछले वीडियो के अंदर हमने जीनस के बारे में जाना और फैमिली के बारे में अच्छे से जाना। आज इस वीडियो के अंदर उसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे, वो है ऑर्डर। उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्लास के बारे में, यानी कि जब हम बॉटनी का नेम लिखते हैं तो क्लासिफिकेशन के माध्यम से जो मैंने 7 चीज़ें बताई थी उसमें से उसका अगला पॉइंट है अपना ऑर्डर। ऑर्डर में क्या चीज़ें देखते हैं, जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ट ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। जो ऑर्डर वगैरह है जनरली वो कौन इसके हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के ऊपर क्या है बेस्ट है, जैसे कि ये प्लांट जो है कौन सी फैमिली से है कौन सी फैमिली से नहीं है, क्योंकि फैमिली का टॉपिक हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा था। उसके बेस्ट के ऊपर उसका अगला पॉइंट देखा जाता है, उसका ऑर्डर क्या रखा जाए, यानी ये किसके सिमिलर है ये किसके सिमिलर है, ऐसा हमें देखना होता है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, और उनके कैरेक्टर के बेस्ट के ऊपर ही ये पूरा जो मैटर है वो लिखा जाता है, यानी ऑर्डर को समझा जाता है। या नीचे मैंने लिखा है कि प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोवुलेसी और सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमिनियल मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। किसी प्लांट का जब हम बोटनी का नेम लिखते हैं, उसका जीनस लिखते हैं, फैमिली लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं उसका ऑर्डर, तो वो कौन सी फैमिली से है। तो फैमिली देखी तो यहाँ पर मैंने दो लिख रखी है, कॉन्वोवुलेसी और सोलेनेसी। सोलेनेसी जो फैमिली वगैरह है उसके अंदर आने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को कितने कौन से ऑर्डर में रखा जाए ये इसके अंदर देखा जाता है। तो ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, उसका फ्लोरल कैरेक्टर क्या है, उसका फ्लोरल डायग्राम क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है। फ्लोरल डायग्राम के रूप में अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे अपन, क्योंकि फ्लोरल डायग्राम पर्टिकुलर एक प्लांट का है, फ्लोरल डायग्राम के अनुसार बनाया जाता है जिसकी संरचना कैसी है, उसके अंदर कितने एंथर है, कितने गाइनोशियम वगैरह एंथोशियम वगैरह, ये सारी उसके अंदर देखा जाता है फ्लोरल कैरेक्टर के रूप में। तो ये जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी वो ऑर्डर के बारे में। नेक्स्ट लिख रखा है मैंने क्लास, दिस कैटेगरीज इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स। ये कैटेगरी जो है रिलेटेड ऑर्डर को क्या करती है, अपने अंदर इंक्लूड करती है, यानी कि किसी प्लांट का फैमिली नेम उसका ऑर्डर कुछ ऑर्डर को ही उसकी क्लास में शो किया जाता है, यानी कि जिसका जो ऑर्डर है वो पर्टिकुलर उसकी क्लास वही होगी जिसका वो ऑर्डर है। जैसे कि आगे मैंने लिख रखा है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्रीमेटा कंप्राइजिंग किसको करती है, मंकी को, गोरिल्ला एंड गिब्बन इज प्लेस्ड इन द क्लास मेमेलिया। इसके अंदर डाला गया है इसको मेमेलिया के अंदर। देखो मेमेलिया के अंदर इसमें एनिमल्स की बात आई, मेमेलिया के अंदर डाला गया, इस मेमेलिया के कौन से ऑर्डर में डाला गया, प्रीमेटा के ऑर्डर के अंदर इसको डाला गया। लेकिन हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, क्लास के बारे में। तो एलोंग विद द ऑर्डर कार्निवोरस, किसके रूप में डालते हैं उसके ऑर्डर को, कार्निवोरस के अंदर, दैट इंक्लूड एनिमल लाइक टाइगर कैट एंड डॉग। पहले हमने पढ़ा ऑर्डर प्रीमेटा, क्योंकि मैंने पहली लाइन में लिखा दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, कुछ रिलेटेड ऑर्डर्स को ही क्या करती है अंदर लाती है। तो प्रीमेटा के रूप में कौन सा डाला, मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन, और जो कि मेमेलिया से बिलोंग करता है। और अगला मैंने लिखा है कार्निवोरा ऑर्डर, जो कि एक ऑर्डर का नेम है, उसके अंदर कौन कौन से एनिमल आते हैं ये मैंने लिख रखा है, टाइगर कैट एंड डॉग, ये इस कार्निवोरा के अंदर। और ये जो है मंकी गोरिल्ला ये आएगा ऑर्डर प्रीमेटा के अंदर। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कार्निवोरा के अंदर आने वाले ऑर्डर के अंदर आने वाले कौन कौन से एनिमल है, तो हमें बताना है टाइगर कैट एंड डॉग। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिख रखा है क्लास मेमेलिया हैज अदर ऑर्डर आल्सो, और कोई जरूरी नहीं है कि इस क्लास के अंदर प्रीमेटा ऑर्डर ही हो, कार्निवोरा ऑर्डर ही हो, उसके अलावा भी इसके अंदर ऑर्डर पाए जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने ऑर्डर और क्लास के बारे में जाना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फाइलम और किंगडम के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू सो मच।